मॉनसून सीजन आने वाला है और आप ऑयलिंग से कतरा रहे हैं, यकीन मानिए आज की रेमेडी बहुत ही सिंपल है। आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा सौम्य है, किसी प्रकार का कोई हेयर फॉल आपको नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन आपके बालों में है जैसे कि हेयर ब्रेकेज या हेयर शेडिंग, वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अप्लाई करना है और इस्तेमाल कीजिएगा। जब बेहतरीन रिजल्ट्स आपको दिखे इन टर्म्स ऑफ लोअर हेयर फॉल तो वापस आके वीडियो में अवश्य लिखेगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मैजिक हो चुका है। आइए जानते हैं क्या क्या करना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अब मैं वीडियोज अपलोड करूंगी तो आपको पता तो होना चाहिए ना, सो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। Hey my beautiful family, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव दैट यू आर शावरिंग ऑन द चैनल। आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ एक बेहतरीन जेल को प्रिपेयर करने का, जो कि आपके बालों में आपको इतनी खूबसूरत डेंसिटी दे सकते हैं दैट यू आर गोइंग टू बी अमेज। आपके ड्राई, डैमेज और डल बालों को बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसको देखने के बाद ये मत बोलना कि बस इतना सही। जी हाँ, जो बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता। क्या करना है आपको, एक बोल लेना है। वाह क्या शुरुआत है। एक बोल में आपको लेना है बादाम का तेल। जी हाँ, जो भी बादाम के तेल के लिए आप कंफर्टेबल हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ रोगन बादाम शरीन का जो आता है छोटा बॉटल, आप वो ले सकते हैं, बड़ी बॉटल भी आती है वो ले सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है हम नहीं ले सकते, तो आप पतंजलि का बादाम तेल भी ले सकते हैं, वो आप एक बोल में ले लीजिए, जितना भी एप्लीकेशन आपको करना है उतना। इसमें आपको लेना है 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल। जी हाँ, जो एलोवेरा जेल होता है ना वो साक्षात मॉइस्चर है आपके बालों के लिए। अगर आपके घर में एलोवेरा का पेड़ है तो आप लीव से भी जेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आपको लेना है 1 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल। देखिए विटामिन ई ऑयल के बारे में जितना कहा जाए कम, ये इतना बेहतरीन ऑयल है आपके बालों के लिए दैट यू आर गोइंग टू बी लाइक पहले क्यों नहीं पता था, बट आई ऑलवेज से टू माई ब्यूटिफुल पीपल कि बेटर लेट देन नेवर। तो आप लोगों को ये तीनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है, मतलब इतना मिक्स करना है कि ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा, एकदम क्लाउडी हो जाएगा। अच्छे से जम के मिक्स कीजिए, मिक्स करने पर ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा एंड योर जेल इज़ एब्सोल्युटली रेडी, जो कि आपके बालों में वो मैजिक क्रिएट करने वाला है, जो कि आपके बालों में वो डेंसिटी दे सकता है, जो बिल्कुल ही डल बाल होते हैं ना, बिल्कुल सूखे झाड़ू जैसे बाल, उनको फिक्स कर सकता है। तो इस ये जो जेल बनकर रेडी हुआ है ये आप नहाने से मात्र आधा घंटा पहले अपने बालों में लगा लीजिए। जी हाँ, पूरे के पूरे स्कैल्प पे, पूरी की पूरी लेंथ पे, और इसके बाद अपने बालों को लपेट कर, कंघी करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि काफ़ी थिक है ये जो बनकर रेडी होता है, और जब बालों में लगता है तो बाल भी थोड़े से यू नो स्टिफ हो जाते हैं, तो कंघी मत कीजिए, घुमा के अपने बालों को क्लचर से बांध दीजिए। आधे घंटे से 45 मिनट के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए, अगर ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर सकें तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज नॉर्मल पानी से कर सकते हैं। विटामिन ई ऑयल जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो आपके बालों को डेंसिटी भी देता है, ग्लॉस देता है, शाइन देता है, एक बैरियर का काम करता है आपके बालों के लिए। सो इसका जम के एप्लीकेशन अपने बालों में करने के बाद जस्ट वॉश इट ऑफ विद शैम्पू, कंडीशनिंग की अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर भी है, इट्स अ प्री कंडीशनर फॉर योर हेयर ऑब्वियसली। तो आप जब हेड वॉश करेंगे सूट योर सेल्फ जैसा भी आपको ठीक लगता है, और उसके बाद आप देखेंगे आपके बालों में जो शाइन, जो ग्लॉस, जो गजब का यू नो दिखेगा आपको वो रिजल्ट, यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। आप इसको ट्राई कीजिए और वापस आके हम सबके साथ शेयर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस इसको यूज़ करने का कैसे रहा। प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मैजिकल इन द फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ, 1 से 2 एप्लीकेशन कर लीजिए, उसके बाद आपको ग्रेजुअली दिखना शुरू होगा कि टेक्स्चर आपका इम्प्रोवाइज हो रहा है, जो डल और डैमेज बाल थे उनमें जान आने लगी है एंड आपके बाल काफ़ी फुलर एंड बाउंसर आपको दिखेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट ट्राइंग दिस, आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मैजिकल फॉर यू। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड कीप स्माइलिंग।